देशभर में मनाई जा रही हनुमान जयंती, भगवान राम के जय घोष के साथ शुरू हुआ समारोह, देशभर में सुरक्षा के खास इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत हुआ मूर्ति का अनावरण, देश भर में स्थापित की जाने वाली चार प्रतिमाओं में से दूसरी है मोरबी में प्रतिमा। हनुमान जयंती पर हरियाणा के सीएम का ट्वीट, देशवासियों को दी शुभकामनाएं, वायुपुत्र से की सभी के जीवन में विपत्तियों को हर लेने की कामना। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर बोले अनिल विज, कहा बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा है गुरुग्राम, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फ्री सुविधा देने को बताया छुआछूत की बीमारी, कहा इस बीमारी की शुरुआत केजरीवाल ने की, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक। महम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों की सुनी है समस्याएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व में बज रहा डंका, जिस वजह से महम में नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की होगी जीत। कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करने पर अभय चौटाला का बयान, कहा केंद्र से बात करे हरियाणा सरकार, भारत की तरक्की रोकने के लिए अपनाए जा रहे रस्ते। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में चरखी दादरी का जवान हुआ शहीद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। फरीदाबाद के आदर्श नगर में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर लोगों में रोष, टावर नहीं लगने देने के विरोध में धरने पर बैठे लोग। फतेहाबाद में एनएचएम आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 16वें दिन भी रहा है जारी, कर्मचारियों ने काले कपड़े और काले बिल्ले लगाकर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए मनाया काला दिवस। सोनीपत में ICS कोचिंग के लाइव क्लास का वीडियो वायरल, वीडियो में जूते से एक स्टूडेंट को पिटाई करते नजर आ रहा है टीचर। जश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, चौची अंजलि ने की थी गला घोटकर हत्या, ताई और दादी पर भी आरोप, पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र को पूरे हुए 4 साल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मनाई चौथी वर्षगांठ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक, केसी वेणुगोपाल मकान सहित कई बड़े नेताओं ने की है शिरकत, कई मुद्दों पर चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को पूरा हुआ 1 महीना, सरकार ने अखबारों में छपवाए 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सीएम भगवंत मान ने की घरों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक जुलाई 1 से लागू होगी व्यवस्था। बारामूला में दहशतगर्दों ने मचाया आतंक, पटना के सरपंच मंजूर अहमद पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई। यूक्रेन रूस में युद्ध का 52वां दिन जारी, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की रणनीति बना रहा रूस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर हरकत में आई है पुलिस, सेना के साथ मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल में जारी हुआ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, दांव पर लगी थी टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं की साख। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने मारी है बाजी, बालीगंज विधानसभा सीट पर भी कायम रहा टीएमसी का दबदबा, बाबुल सुप्रियो ने दर्ज की जीत। बिहार के सीट से आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान ने हासिल की है जीत, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने लगाई जीत की मोहर। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच IIT कानपुर ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, चौथी लहर आने की जताई संभावना, अगस्त के आखिरी तक पीक पर होने की कही बात।